सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि इमेजेस और टेबल्स या शेप्स का किस तरह से इंडेक्स बना सकते हैं, ये खुद से ट्रैक करें। देखिए, अगर किसी जगह पर आपने मिसाल के तौर पे एक शेप लगाया है और इस शेप में आपने एक इमेज लगा दी है, तो पहले इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं, फिर इस पर इमेज लगा दी है तो यहाँ से पिक्चर पे चले जाते हैं, क्लिक करके यहाँ से हम इसको ब्राउज कर लेते हैं, क्लिक करके हम यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं और इस फोटो के अंदर हम यहाँ से कुछ इस तरह का मामला दिखा। ठीक है, यूजुअली हम टॉपिक पर आएंगे तो टॉपिक के अंदर तो ये इमेज हो गई, लेकिन अगर हम इमेजेस को ट्रैक करना चाहें, शेप्स को ट्रैक करना चाहें या टेबल को ट्रैक करना चाहें तो उसके लिए भी कंटेंट बनाया जा सकता है, इंडेक्स बनाया जा सकता है। किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और रेफरेंसेस में जाना है। रेफरेंसेस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करके हमारे पास कुछ लेबल्स आ रहे हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, इमेज कैटेगरी में, फिगर कैटेगरी में, इक्वेशन, असाइनमेंट, फोटोज या टेबल। अगर आपने इसमें से कोई कैटेगरी आपके काम की नहीं है तो आप यहां से एक नया लेवल भी इसमें ऐड करा सकते हैं, जैसे माई आई एम जी, ओके, तो वो लेवल भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और अगर वो लेवल आपके काम का नहीं है तो डिलीट लेवल करके उसको खत्म कर सकते हैं। सपोज टू बी इसका नाम हम रख रहे हैं आई एम जी, तो इसने आगे का एक नंबर इसको असाइन कर दिया 9। ये खुद से उस लेवल को एक नंबर देगा। अच्छा, इसको 9 क्यों दिया, 1 क्यों नहीं दिया, 2 क्यों नहीं दिया? देखिए, ऑलरेडी मैंने पहले से कुछ इसमें ऐड कराए हुए, तो 8 तक तो था, ये 9 नंबर इसको मिल गया। तो यहाँ पर हमने इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी, इसको कहते हैं CAPTION, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? जो किसी इमेज को किसी स्टेटमेंट के जरिए आप डिस्क्राइब करें, किसी इमेज को स्टेटमेंट के जरिए डिस्क्राइब करें। अक्सर फोटो न्यूज़पेपर्स में आपने तस्वीर देखी होंगी, इमेजेस देखी होंगी, उन इमेजेस के नीचे एक इबारत लिखी होती है, ठीक है, एक लिखा हुआ होता है कि वो क्या हो रहा है, उसको कैप्शन कहते हैं। तो हमने लिख दिया कंप्यूटर्स वर्ल्ड ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ऐसे ही हमने लिख दिया इसके और ओके कर दिया। ये देखिए, अब आपको इस पिक्चर को इंडेक्स में ऐड करना है। आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है इंसर्ट कैप्शन। ऑलरेडी हमने दे चुके हैं कैप्शन, ठीक है, इसका कैप्शन 9 है जो भी हमने ऐड किया था। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक हमने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, इसी तरह से हमने यहाँ पर एक कोई डेटा शो किया टेबल के जरिए, पिक टेबल्स, और ये कोई एनालिटिक्स थी जो हम यहाँ पे देना चाह रहे थे। और इसको भी हमने क्लिक किया, इंडेक्स में ऐड कराना था तो रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन, अब इसको इसने ऑटोमेटिकली 12 कैप्शन दिया, लेकिन ये चूंकि एक टेबल है तो मैं इसके लिए टेबल का लेवल यूज करता हूँ। टेबल का इसने कौन सा दिया, 2, सपोज टू बी एनालिटिक्स, इस कारण हमने एनालिटिक्स कैप्शन दे दिया, ठीक है, ऐड हो गया, व्हाटएवर ऊपर या नीचे कहीं भी ऐड हो सकता है। अब शेप पर भी हो गया, इमेज पर भी हो गया, कोई आपने चार्ट ऐड करा लिया, लेट्स सपोज यहाँ पर आपने एक चार्ट ऐड करा, चार्ट ऐड हो गया, क्लिक किया चार्ट के ऊपर और इसको भी जाके आपने इसमें ऐड करा दिया कैप्शन। टेबल 3, अगर आपको इसको टेबल सीरीज में डालना है तो इसको टेबल 3 का नंबर मिलेगा, किसी और सीरीज में डालना है, फिगर में, फोटो में, टेबल में, असाइनमेंट्स में, इक्वेशंस में, तो वो जो उसका लास्ट नंबर होगा उसके आगे उसको टेबल का ही दे देते हैं। सपोज टू बी ग्राफ
डिस्प्ले रिजल्ट्स। ठीक है, अब इस तरह काफी सारे आपने अपने डॉक्यूमेंट में ये ऐड कर रखे होंगे। अब इनको इंडेक्स की शक्ल कैसे देंगे, ये देखिए पेज पर कहीं भी ऊपर नीचे जहां पर आप चाह रहे हैं, जिस जगह पर आपके पास स्पेस है वहां पर आपको इसको ऐड कराना है। पहले क्लिक करना है, इसकी लोकेशन को सेट कर लें कि यहाँ पर ये ऐड करना है हमें। फिर रेफरेंसेस में जाना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करना है। देखें पहले कौन सा ऐड कराना चाह रहे हैं आप, सपोज टू बी, ठीक है, सपोज टू बी आप ऐड कराना चाह रहे हैं असाइनमेंट्स, तो असाइनमेंट के जितने लेवल्स हैं वो पहले ऐड हो गए, कोई भी नहीं मिला इसको, ठीक है, कोई भी नहीं, इंसर्ट। फिर आप ऐड कराना चाह रहे हैं टेबल ऑफ फिगर्स में फिगर, इक्वेशन, इक्वेशन भी कोई ऐड नहीं है। फिर ऐड कराना चाह रहे फिगर, फिगर की भी कोई एंट्री नहीं है। इमेज, इमेज की सारी एंट्रीज आ गई, यस कर दें। पेज नंबर भी आ गया। फिर आप ऐड कराना चाह रहे टेबल, तो टेबल की सारी एंट्रीज आ गई, देख रहे। तो आपने और काम आसान कर दिया ना, देखिए ना, नोट्स में खाली टेक्स्ट तो नहीं हो सकते, शेव्स चार्ट्स हो सकते हैं जो कोई समझाने के लिए यूज किया गया हो। अगर आप सोचें उनके अंदर उसका भी इंडेक्स बना दें आप, कि वेदर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज तो टॉपिक वाइज आप उसको सर्च कर लें, ठीक है, और वेदर आप चाहते हैं इमेजेस वाइज, टेबल वाइज, इक्वेशन वाइज, किसी खास इक्वेशन पे जाना है ऐसे बना दें उसको। तो रीडर को कितनी आसानी होगी, यार मुझे ये देखना है ये कहाँ पर है, भाई पेज नंबर 55 पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें, ठीक है, कंट्रोल जी, गो टू पेज नंबर 1, ओके। उसने कहा नहीं यार मुझे ना कोई खास एक ये वाला इमेज देखना कहाँ है, प्लेसमेंट डिस्ट्रिक्ट, तो कंट्रोल के साथ क्लिक किया, सही है, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से किया जा सकता है।